सीआईडी एक्टर दया आनंद शेट्टी मिस कर रहे हैं दिनेश फडणवीस को। उनकी अंतिम यात्रा पर हुए वो काफी भावुक। मीडिया से बात करते वक्त किया उन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा। आखिर क्या है दया आनंद की स्टेटमेंट अपने दोस्त को लेकर, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सीआईडी शो भारत का काफी बड़ा शो है और इस शो को बच्चों की ओर से खूब प्यार मिला। खास तौर पर फ्रेडरिक्स के रोल को लोगों ने खूब सराहा, लेकिन अब फ्रेडरिक्स यानी कि दिनेश फडणवीस अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिनेश फडणवीस ने कई साल सीआईडी में काम किया और इस शो से उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। दिनेश फडणवीस के लाखों चाहने वाले आज गहरे दुख में हैं, खास तौर पर सीआईडी टीम। दयानंद शेट्टी दिनेश के काफी क्लोज थे और आखिरी वक्त में भी वे दिनेश के साथ हॉस्पिटल में ही थे और उनके सामने ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। दया ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि दिनेश एक अच्छा एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे और वो रियल लाइफ में भी काफी खुश मिजाज थे। दिनेश काफी समय से हॉस्पिटल में एडमिट थे और लिवर डैमेज होने के कारण उनका निधन हुआ। हालांकि कई रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन बाद में दयानंद शेट्टी ने इस बात को क्लियर किया कि उनका लिवर डैमेज हुआ है। इस वक्त सीआईडी की पूरी टीम दिनेश के जाने पर काफी दुखी है, स्पेशली दया, क्योंकि वे दिनेश के काफी करीब थे और जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में वे उनके साथ थे। दया ने मीडिया वालों से रिक्वेस्ट की है कि ये वक्त उनके लिए और दिनेश की फैमिली के लिए काफी मुश्किल वक्त है। उन्हें सबकी बेस्ट विशेज और प्रेयर्स की नीड है। हम आशा करते हैं कि दिनेश के सभी चाहने वाले इस दुख से जल्द ही बाहर निकल आएं और दिनेश के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेज और प्रेयर्स। और दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स में दिनेश के लिए और उनके चाहने वालों के लिए प्रेयर्स और बेस्ट विशेज लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप दिनेश के फैन हैं तो वीडियो पर उनके लिए लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचती रहे।